नमस्ते बच्चों, एट्थ क्लास मैथ की क्लास। आज हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.4। और हमने पिछली क्लासेस में सेवन सम तक कंप्लीट हो गए थे हमारे। अब हम करेंगे एट्थ सम। स्टेटमेंट समझते हैं पहले। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कुछ एक झुंड है हिरण का जो कि खेत में क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग यानी चल रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। तो हम एक्स वैल्यू देख के करेंगे। जैसे हम टोटल ले लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो उसमें से क्या कह रखा है ये देखो पहले। हाफ हाफ ऑफ हर्ड, तो हाफ क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितना था एक्स, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा एक्स बाई टू। एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग, ये तो हो गया हमारा टोटल, ये हो गया उसका हाफ, और अब हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया ये देखो पहले। रिमेनिंग देखो, टोटल हमारा था एक्स, उसमें से हाफ क्या थे, खेत में थे, तो अब हमारे पास कितना रह जाएगा, 2x-x/2। अब हमारे पास रह गया x/2, यानी हाफ हमारे पास बच गई ये, और ये क्या थे, खेत में चल रहे थे। अब हमने निकालना है इसके ऊपर जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। ये हमारा है रिमेनिंग, इसका 3/4 ऑफ रिमेनिंग, इसका 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ x/2, यानी 3/4 मल्टीप्लाई x/2 क्या हो जाएगा, 3x/8। फिर क्या है, ये थे जो आसपास खेल रहे थे, प्लेइंग नियर बाई। द रेस्ट आर 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर क्या है, 9 जो बाकी बच गए उनमें से। अब हमारे पास देखो, जब मैं देखता हूं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग प्लस ये क्या है, प्लेइंग प्लस फिर क्या है, जो ड्रिंकिंग वाटर, और ये सारी मिला के क्या हो जाएगा हमारा टोटल। तो देखो, ग्रेजिंग कितने चल रहे थे, x/2 प्लस बाकी जो खेल रहे थे वो क्या है, 3x/8 और 9 क्या कर रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर। इन तीनों को मिला के हमने टोटल क्या मानना था, x। अब इस स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे, इस एक्स को इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, और ये 9 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 8 2 4 जा 4 into x 4x 8 1 जा 1 plus 3 3x 1 8 जा 8, और ये क्या हो जाएगा, -8x = -9। 4 और 3 7x-8x/8 = -9। ये 8 इस साइड आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, और 7x-8x क्या हो जाएगा, -x, यानी -x = -72। माइनस से माइनस कैंसिल, x क्या आ जाएगा हमारा, 72। हमने क्या निकालना था, टोटल उस खेत में और जो वहां पर खेल रहे थे और जो ड्रिंकिंग वाटर कर रहे थे, उन सभी को मिला के क्या निकालने थे, टोटल नंबर ऑफ डियर्स। ये था हमारा एट्थ नंबर सम। अब हम करेंगे नाइन्थ सम। नाइन्थ सम हमारा क्या है, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक है हमारा ग्रैंडफादर, और एक क्या है, ग्रैंड डॉटर। अब इसने क्या रखा, ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर, ये 10 टाइम्स है, तो हम ग्रैंड डॉटर को मान लेते हैं एक्स, तो 10 टाइम क्या हो जाएगा, 10x। बिल्कुल इजीली जो स्टेप होता है उस तरीके से करवाता हूं, स्टेटमेंट जैसे बन जाएगी। ग्रैंड डॉटर को हमने मान लिया एक्स, तो ग्रैंड फादर क्या है, उससे 10 गुना, तो 10 टाइम्स यानी 10x हो गया। फिर क्या है,
ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, वो उससे क्या है, क्या बता रखा है, 54 साल बड़ा। तो यहां तो देखो इस स्टेटमेंट को, यहां भी हो गया, यहां पे तो लिख लो 10 टाइम्स। अब क्या है 54 ईयर्स मोर, तो ये क्या हो जाएगा 10x + 54, ये हमारा x का x रह जाएगा। अब इसमें देखो ये तो होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि भाई वो क्या है 54 साल बड़ा है, तो मैं क्या कैसे पता चलेगा 54 ईयर्स बड़ा है वो, अगर मैं 10x में से, यानी मैं ग्रैंडफादर के जो एज थी उसमें से माइनस कर देता हूं ग्रैंड डॉटर की एज, तभी तो पता चलेगा ना कि वो कितने साल बड़ा है 54 ईयर्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10x जो ग्रैंडफादर की थी माइनस ग्रैंड डॉटर की एक्स, और ये कितना है 54 ईयर्स का क्या है डिफरेंस। तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 54, एक्स इज इक्वल टू 54/9, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब इस एक्स की वैल्यू को मैं कहां पर पुट कर दूंगा, ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर की, जैसे यहां पर था 10x ग्रैंडफादर और यहां पर क्या था ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंडफादर 10x तो क्या जाएगा 10 × 6 = 60 और ग्रैंड डॉटर क्या है एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 6 ईयर्स, ये हो जाएगा हमारा सम नंबर 9th। इसी तरीके से बिल्कुल सेम जो हमारा एज का सम दे रखा है वो है 10th, उसमें दे रखा है अमन और उसके बेटे की एज का डिफरेंस, वो देखते हम। स्टेटमेंट है अमन एज इज 3 times हिज सन एज। अगर मैं यहां पर अमन और अमन का जो बेटा है, अमन की एज दे रखी 3 times, तो मैं अमन की अगर एक्स ले लेता हूं, तो अमन अमन के बेटे की अगर एक्स लेता हूं तो अमन की क्या हो जाएगी 3 times यानी 3x। अब क्या है 10 years ago, अगर पहले का पूछ रखा हो तो क्या हो जाएगा 10 साल हम क्या कर देंगे माइनस, और इसमें से भी क्या कर देंगे माइनस। His son 10 years ago he was 5 times his son age। अब क्या है 10 साल पहले वो क्या है अपने बेटे से 5 गुना क्या हो जाएगा बड़ा, तो उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। अब बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे हम 5 से, इसको बड़ा बता रहा है तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब देखो 3x - 10 = 5x - 50, यहां से हम इस x वाले को इकट्ठा कर लेंगे माइनस का 5x, ये -50 + 10, 3x - 5x - 2x, ये हो जाएगा -40। अब माइनस से माइनस कैंसिल, x = 40/2, x क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 20। इस x की वैल्यू को हम जो प्रेजेंट एज है उसमें निकलेंगे, तो 3x यहां पर था x, 3 × 20 ये हो जाएगा 60 ईयर्स, और ये क्या हो जाएगा x यानी 20 ईयर्स। अगर मैं स्टेटमेंट देखूं, अमन क्या था जितनी एज अमन की थी उससे क्या था 3 times his फादर एज, यानी अमन की जो बेटे की थी उससे क्या था अमन की एज 3 times, तो ये 20 है तो 3 times क्या हो जाएगा 60 ईयर्स। ये था हमारा आज का लास्ट सम, हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है, जो नेक्स्ट जो क्लासेज होगी उसमें हम करेंगे 2.5। थैंक यू बच्चों।